नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। पिछली कहानी में आपने सुना कि कार्तिक अपने ऑफिस जाता है और उसे पता चलता है कि ऑफिस में नया एसोसिएट मैनेजर ज्वाइन करने वाला है। वो मीटिंग रूम में वेट कर रहा होता है कि वहाँ उसे तानिया दिखती। वो तानिया को देखकर किसी ख्याल में खो जाता है। अब आगे बचपन। जब बच्चे होते हैं तो लगता है ना कि बड़ा होना कितना अच्छा होता है। ना कोई टेंशन, ना कहीं जाने की रोक टोक, अपनी मर्जी से जीना और अपनी मर्जी से रहना। पर जब बड़े हो जाते हैं तो रियलाइज होता है कि नहीं, जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल तो बचपन के थे। बेफिक्री से बिताए हुए वो पल, उस पल सबसे ज्यादा टेंशन सिर्फ होमवर्क की ही तो थी। अब तो ना जाने किन किन चीजों की टेंशन होती, शायद गिनती करने बैठे तो काफी वक्त लग जाएगा। पर जब कुछ चीज़ों की याद आती है तो सारा बचपन याद आ जाता है। वो गलियाँ, वो गाने, वो लोग, कभी कोई खुशबू इन सब बातों की याद ले आती है तो कभी कोई शख्स। तानिया को देखते ही कार्तिक को बचपन याद आ गया, वही पुराना 20s वाला, जब दिल्ली की हवा बहुत साफ थी, जब सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी पर लोग तसल्ली से चलते थे, जब घर कम और पेड़ ज़्यादा हुआ करते थे। तब कितना कुछ था बचपन में खेलने को, लूडो का खेल, सांप सीढ़ी, चोर सिपाही, मंत्री और राजा, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, मारम पिट्टी, लट्टू घुमाना और WWE के कार्ड जुटाना, मुंह में बूमर चबाना, बर्फ के गोले खाना, चटकदार मछली वाली टॉफी और खट्टा आम पापड़। आ हा हा हा, मुंह में एकदम पानी आ गया। कितना कुछ था ना बचपन में। और क्रिकेट, उसे तो कौन भूल सकता है। यही गर्मियों की छुट्टियों का टाइम था, मोहल्ले के छोटे से ग्राउंड में कुछ बच्चों की टोली क्रिकेट खेल रही थी। बैटिंग पे थे गली के स्टार क्रिकेटर कार्तिक चतुर्वेदी। 15 साल का कार्तिक बॉल पर नजर गड़ाए क्रीज पर खड़ा था। आकाश ने दौड़ते हुए बाउंसर फेंकी तो कार्तिक ने पीछे की तरफ शॉट मारते हुए चौका मारा। कार्तिक के टीम वाले खुश, अरे यार कार्तिक सही शॉट मारा यार, एक छक्का और मार दे भाई तो बस हम जीत जाएंगे, रोहित ने बोला। कार्तिक ने कहा, अरे टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना। आकाश अगली बॉल के लिए तेजी से दौड़ता हुआ है। आकाश ने यॉर्कर फेंकी तो कार्तिक आउट होता होता रह गया। क्या हुआ, छक्का नहीं लग रहा क्या, आकाश ने चिढ़ाते हुए बोला। अच्छा बेटा, अगली बॉल अगर ग्राउंड से बाहर ना गई ना तो नाम बदल दियो मेरा, कार्तिक ने कहा। आकाश ने लंबा रनअप लेते हुए बॉल फेंकी तो कार्तिक ने जोरदार शॉट मारा। बॉल हवा में थी और सीधा ग्राउंड से बाहर मुखर्जी अंकल की छत पे जा गिरी। रोहित चिल्ला उठा कि जीत गए जीत गए। कार्तिक के टीम के सभी लोग खुश होने लगे। तभी आकाश ने आके कहा, अरे भाई बॉल कौन लाएगा, बॉल तो लेके आ जा। कार्तिक ने इसका जवाब दिया कि मैं क्यों लेके आऊं, हम जीते हैं भाई, तुम लेके आओ। अरे जीते हैं तो क्या हुआ, रूल रूल होता है भाई, जो मारेगा वही लेके आएगा, आकाश ने जवाब दिया। अरे पर मुखर्जी अंकल का घर तो बंद रहता है ना, तो बॉल कैसे आएगी, रोहित बताने के लिए आगे आया तो इसके जवाब में आकाश ने कहा, हाँ बंद रहता था पर अभी उनके घर पे नए लोगों ने शिफ्ट किया तो खुला हुआ है, तू जाके बॉल लेके आ, अगला मैच खेलना है। कार्तिक कुछ देर हिचकिचाया और मन में, एक तो सिक्स भी मारो ऊपर से बॉल भी लेकर आओ, बोलते हुए मुखर्जी अंकल के घर की तरफ गया। कार्तिक ने गेट खटखटाया। एक लगभग 34 साल की महिला ने गेट खोला। वो काफी थकी हुई लग रही थी और उन्होंने उसी थकी हुई आवाज में पूछा, हाँ बेटा बोलो क्या हुआ। कार्तिक ने हिचकिचाते हुए कहा, आंटी वो आपकी छत पे बॉल चली गई है, तो आप प्लीज क्या बॉल दे देंगी। तुम घबरा क्यों रहे हो, दे देते हैं, रुको अभी। मिस्टी बेटा छत से बॉल दे देना, आंटी ये कह के किचन में कुछ देखने चली गई। कार्तिक थोड़ा हैरान हुआ वहीं खड़ा था, उसे छत से किसी के उतरने की आवाज़ सुनाई थी। वहीं उसने पहली बार देखा तानिया को। वो चश्मा पहने हुई थी और उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे और उसी हाथ में बॉल भी थी। कार्तिक बस उसे ही देखे जा रहा था। वो कार्तिक के पास आई और बोली, ये बॉल तुमने मारी थी। हाँ, कार्तिक कहीं खोया हुआ सा बोला,
ये बॉल तुमने मारी थी, तान्या ने फिर कहा। कार्तिक ने अचानक बोला, हाँ, मैंने ही मारी थी। अच्छा शॉट था ना? नहीं, एकदम घटिया था। बेवकूफ हो तुम, तुम्हारी वजह से मेरा फेवरेट गमला टूट गया। नहीं मतलब आई एम सॉरी, अब से नहीं, मतलब अब से मैं शॉट ही नहीं मारूंगा, सिर्फ चौके मारूंगा। आई एम रियली सॉरी। तब तक तानिया की मम्मी आ गई और बोली, अरे क्या हो गया बेटा, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तभी तानिया ने बोला कि मम्मी देखो ना, इसके बॉल से मेरा रोज वाला फेवरेट गमला टूट गया। कोई नहीं बेटा, हम नया ले लेंगे, तुम परेशान क्यों होती हो? और वैसे भी इसने जानबूझ के थोड़ी ना तोड़ा। हाँ आंटी, अब से मैं मारूंगा ही नहीं, और तुम ऐसा देखो ना कि मेरी वजह से तुम्हें नया गमला मिल जाएगा, और नई चीज़ तो हमेशा अच्छी होती है ना, कार्तिक ने बिना सोचे समझे बोला। हाँ, पर हम नई चीज़ों के लिए पुरानी चीज़ों को थोड़ी ना भूल जाते हैं। तान्या ने यह बोला और कार्तिक को बॉल पकड़ा दिया। तान्या उदास होकर अंदर चली गई और कार्तिक बॉल लेकर चला गया। कार्तिक रास्ते भर सोचता रहा कि गमला टूटना इतनी बड़ी बात होती है क्या? एक छोटे से गमले के लिए कितना बोल दिया उसने। पता नहीं कैसी अजीब सी लड़की है। कार्तिक ग्राउंड पर पहुंचा और बॉल देके घर की ओर चला गया। वो दिन भर उसी बारे में सोचता रहा। फिर अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये गमला कितने का आता है? अरे गमला, तू क्या करेगा, क्या नए नए शौक पालता रहता है तू? अरे वो मम्मी ऐसे ही पूछ रहा था, जनरल नॉलेज के लिए। मम्मी ने कहा, 50 का आ जाता होगा, और ज़्यादा अच्छा लो तो 150-200 का, और क्या। कार्तिक सोच में पड़ गया कि इतना महंगा, और वो वहाँ से चला गया। कार्तिक ने अपने गुल्लक में चेक किया तो उसमें 100 रुपये थे, जो वो लेदर बॉल और बैट के लिए बचा रहा था। कुछ पैसे उसने ऐसे चिल्लर बटोर रखे थे, जो कि 30 रुपये थे। उसने उन पैसों को इकट्ठा किया और नर्सरी की तरफ चला गया। नर्सरी घर से ज़्यादा दूर नहीं थी। वहाँ उसने एक अच्छा सा गमला देखा और उसकी रकम पूछी तो एक बूढ़े अंकल ने कहा, वैसे 200 की है बेटा, पर तुम 180 में ले जाना। अरे अंकल, मेरे पास ना इतने पैसे नहीं हैं, प्लीज़ 130 में दे दो ना। नहीं बेटा, 130 में तो नहीं, 180 में ही। कार्तिक वहाँ से उदास होते हुए चला गया। उसे रास्ते में रोहित और आकाश मिले। उन्होंने कार्तिक से कहा कि कल दूसरी कॉलोनी वालों से मैच है, पैसों वाला, अगर वो चलेगा तो उसकी टीम जीत जाएगी। कार्तिक ने मन ही मन सोचा कि अगर हर मैच में अगर 20 रुपये जीत जाएगा तो 3-4 मैच में तो वो 50 रुपये आराम से जीत सकता है, तो उसने हाँ कह दिया। अगले दिन वो मैच खेलने गया। उसकी टीम ने पहला मैच तो कार्तिक के बदौलत जीत ली। कार्तिक 20 रुपये जीत चुका था। दूसरे मैच के लिए शिखर के पैकेट से टॉस हुआ ही था कि तभी बारिश ने ग्राउंड को घेर लिया और धीरे धीरे झर्राटेदार बारिश शुरू हो गई। बारिश को देखते ही कार्तिक के सारे अरमान बारिश में ही बह गए। उसने हताश होते हुए आसमान की तरफ देखा। अगले दिन जब मौसम साफ हो चुका था, वो दोबारा नर्सरी की तरफ गया। उसने उन अंकल से फिर कहा, अंकल प्लीज 150 में दे दीजिए ना गमला, प्लीज। अरे नहीं बेटा, 180 से कम नहीं हो पाएगा। कार्तिक को लगा कि अंकल नहीं मानने वाले। वो उदास होते हुए घर की तरफ जाने के लिए मुड़ा। अंकल ने उसका उदास चेहरा देखा तो उसको आवाज मारी, सुनो ले जाओ, पर हाँ सबको मत बोल देना, ठीक है? हाँ अंकल, किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू अंकल। कार्तिक ने गमला लिया और अपने घर ले आया। पर ये वो गमला मिस्त्री को दे कैसे, वो तो उसे जानता भी नहीं है। उसने सोचा कि वो ये गमला उसके घर के बाहर रख देगा, पर अगर उसकी मम्मी ने देख लिया तो न जाने वो क्या सोचेंगी। वो यही सब सोच में लगा ही था कि तभी उसे आकाश के बारे में ख्याल आया कि वो तो उसी की गली में रहता है, वो जानता होगा मिस्त्री को। वो आकाश के पास जाता है और उसे बताता है। आकाश चौंक जाता है, तूने गमले के लिए लेदर बॉल के पैसे खर्च कर दिए, तुझे वो अच्छी लगती है क्या? कार्तिक शर्मा गया, नहीं यार, पागल है क्या,
वो तो उसका गमला मेरी वजह से टूटा, तो मैंने सोचा कि उसको बुरा ना लगे इसलिए दे दूँ। अच्छा, हमारे लिए तो नहीं करता है ऐसा कुछ है, आकाश हंसते हुए बोला। कार्तिक शांत खड़ा था और आकाश बोलते जा रहा था। यार मेरी तो बात नहीं हुई है उससे, पर मेरी छोटी बहन की होती रहती है, पर तू जानता है ना उससे पूछूंगा तो उल्टा ही सोचने लगेगी। अगर कभी मेरी बात होगी उससे तो मैं तुझे बताऊंगा, ठीक है? अच्छा चल ठीक है, जब भी बात हो तो बताइए मुझे। कार्तिक उसके घर से निकल गया। वो तानिया के घर के बाहर ही रुका था। उसने देखने की कोशिश की कि छत पे कोई खड़ा है कि नहीं। उसे वहाँ दिखा तो बस एक हल्का सा गार्डन। वो आगे बढ़ गया। एक दिन आकाश भागता हुआ कार्तिक के पास है। अरे वो मिस्टी का बर्थडे, आज उसकी मम्मी आई थी इनविटेशन देने शाम का, उन्होंने पूरी गली को बुलाया। ऐसा करना तू मेरे साथ चल लेना, इसी बहाने तू उसको सॉरी बोल दियो और गमला भी दे दियो। कोई तुझे कुछ कहेगा भी नहीं कि तूने गिफ्ट क्यों दिया, है ना अच्छा आइडिया? कार्तिक के चेहरे पे खुशी की मुस्कान दौड़ गई। शाम का समय था, तान्या का घर गुब्बारों से सजा हुआ था, पार्टी का फुल माहौल था। तान्या की मम्मी सारे गेस्ट को चिप्स बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक देने में लगी हुई थी। तान्या के पापा लोगों से बात कर रहे थे। तान्या मम्मी के पास आके बोली, मम्मी इसकी क्या जरूरत थी? अरे मिश्की बेटा, ऐसे ही तो लोगों से जान पहचान बनेगी, जाओ तुम बच्चों से बात करो तभी तो वो तुम्हारे दोस्त बनेंगे। तानिया वहां से चली गई और एक जगह बैठ गई। हाय, कार्तिक ने उसे आके कहा। तानिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम यहां, तुम इसी गली में रहते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं वो आकाश के साथ आया हूं, वो मुझे तुम्हें सॉरी कहना था, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, हैप्पी बर्थडे एंड सॉरी। कार्तिक ने गिफ्ट को टेबल पे रख दिया। अरे कितनी बार बोलोगे, तुमने उसे कहा तो था। हाँ पर तुमने माफ कहाँ किया था, तुम तो उदास हो गई थी। अगर तुम्हारी कोई चीज टूटेगी तो तुम उदास नहीं होगे, तुम खुश रहोगे क्या? मैं उदास थी क्योंकि उस समय दुखी थी, बाद में रियलाइज हुआ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ आए। वैसे भी मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, तुम्हें जानती हो, तुमसे बातें तो कर सकती हूँ। मुझे जानती हो? हाँ हम लोग पहले मिले हैं ना, पहली बार थोड़ी ना मिल रहे। हाँ मिस जी, मेरा नाम तानिया है, वो तो मम्मी प्यार से मिस जी बुलाती है, तुम भी बुला सकते हो। तानिया ने मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा ये मिस्टी का मतलब क्या होता है, काफी यूनिक है तुम्हारा नाम, कार्तिक ने पूछा। मिस्टी मतलब स्वीट। वो तो तुम हो, सही नाम है तुम्हारा मिस्टी, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा तुम्हें एक चीज दिखाऊं। वो कार्तिक को छत पे ले गई। वहां एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे। कार्तिक ने कहा, वाह वाह इतने सारे फूल, तुम्हारी तो अपनी नर्सरी है। हाँ मुझे फूल बहुत पसंद है, आई लव देम, बहुत खूबसूरत है ये, हर कोई एकदम नाजुक, बड़े प्यार से इन्हें रखना पड़ता है, जरा सी भी भूल चूक हुई और ये मुरझा गए। पता है पापा का ट्रांसफर होता रहता है, मैं जिस भी शहर में जाती हूँ अपने सारे फूलों को लेके जाती हूँ, एक को भी अनजाने शहर में छोड़ती नहीं हूँ। ये मेरे पक्के वाले दोस्त हैं जो मेरे साथ हर जगह रहते हैं, और दो तो मेरे ज्यादा खास है, वो देख रहे हो, एक एक गुलाब जिसका गमला तुमने तोड़ दिया था, और एक वो गोल्डन वाला रोज, है ना एकदम बढ़िया। हाँ तुम्हें कितना कुछ पता है प्लांट्स के बारे में, कार्तिक ने कहा। मेरे साथ खेलोगे तो तुम भी सीख जाओगे, चलो अभी नीचे चलते हैं वरना मम्मी ढूंढेगी मुझे। वो दोनों नीचे चले गए। सबने केक कटिंग सेलिब्रेट किया और पार्टी खत्म हो गई, सब लोग घर चले गए। रात में तसल्ली से बैठने के बाद तानिया ने कार्तिक का गिफ्ट खोला। उसने जैसे ही बॉक्स ओपन किया तो एकदम नया गमला देखा जिसपे रोज के डिजाइन बने हुए थे।
उसके अंदर एक लेटर रखा हुआ था जिसके ऊपर बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था, सॉरी एंड प्लीज ओपन दिस लेटर। उस लेटर में लिखा था, हेलो मिस्टी, मुझे माफ़ कर देना, मेरे शॉट की वजह से तुम्हारा फेवरेट गमला टूट गया और अब तुम्हें ऐसा बर्थडे गिफ्ट दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये बड़ा बेवकूफ़ों वाली हरकत है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से दुखी रहो। हो तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद है, तुम्हारा गमला तोड़ने वाला दोस्त कार्तिक। अरे मैंने तो उसका नाम ही नहीं पूछा था, मैं भी कितनी डफर हूं, सिर्फ बोलती रही। पर कैसा अजीब लड़का है, पर प्यारा है। अब आगे क्या होगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कार्तिक तान्या से इतने दिनों बाद ऑफिस में मिला? क्या तान्या कार्तिक को ऑफिस में देख के खुश होगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी को, और कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। और भी पार्ट्स के लिए सब्सक्राइब करिए सुनो कहानी को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।